हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजिली कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अनेक एजुकेशन पॉइंट। माय सेल्फ हिना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन। जो भी स्टूडेंट हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल से हैं और उन लोगों का फाइनेंस फॉर एवरीवन आ रहा है, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट के हैं चाहे वो सेकेंड के हैं, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं और वन शॉट भी इसका एग्जाम से पहले आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर भी डिस्कस करूंगी। तो यूनिट हमारे 5 रहने वाले हैं इसके अंदर और सबके अंदर लेसन्स दिए गए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपके 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी है। सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में और लेसन 3 के अंदर पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, राइट। यूनिट नंबर 2 आपका रहेगा, लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और लेसन नंबर 2 है हमारा फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और यूनिट नंबर 3 से आपको पूछा जाएगा, उसमें एक ही लेसन है, उसमें 2-3 नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। एंड यूनिट नंबर 4 से हमारा लेसन 1-2 है जो कि इंश्योरेंस सर्विस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे है। यूनिट नंबर 5 हमारा लेसन नंबर 1 स्टॉक मार्केट और लेसन नंबर 2 स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं, पहले जब यूज करते थे कोई भी सामान को, हमें खरीदना होता था या कुछ भी चीज खरीदनी होती थी तो हम लोग कैश में डीलिंग करते थे, है ना। अगर किसी को दुकानदार से उधार भी लेना होता तो भी वो बोलता 10 दिन बाद या 5 दिन बाद आके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा जो है कैश में। लेकिन आज भी कुछ दुकानदार हैं जो रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, या कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो मतलब कैश में ही भरोसा रखते हैं, ठीक है। बट आजकल सबसे ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब ट्रांजेक्शन वो लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, उन्हें पता लग गया है कि आज हम कितने तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। आज हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हम लोग करते हैं, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हम चीजों को समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल की इग्नोरेंस होती है, कहीं ना कहीं एक अगर एक बंदा है उसको ये नहीं पता कि मेरे को पैसे कैसे बचाने हैं। अगर कोई एक बंदा है जैसे वो सब्जी वाला है, उसको वो ताजा कमाता है और ताजा सब्जियां बेच देता है, उसको जितना प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा सब्जी में लगा देता है, कुछ उसकी बचत हो ही नहीं पा रही। क्यों, क्योंकि वो ये चीजें सोच ही नहीं पा रहा कि उसके आधे से ज्यादा पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो सेविंग कर रहा है या नहीं कर रहा, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जैसे उधार हो गया। अब ये है आजकल जो आजकल का यूथ है वो सबसे ज्यादा क्या करता है कि हाँ कमा रहा है। अब मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट आप लोगों को ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि फाइनेंशियल फाइनेंस फॉर एवरीवन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें पैसों का ज्ञान देने वाला है, सिंपल भाषा में बोलूं तो। क्योंकि चीजें तो आप लोग भी पढ़ लोगे, लेकिन उस चीज को पढ़ने से पहले आपके अंदर एक इंटरेस्ट आना चाहिए कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग कॉलेज में हैं तो क्वेश्चन आना घुमा के जाहिर सी बात है आ सकता है। तो इसीलिए मैं घुमा फिरा के भी आप लोगों को बताती हूँ कि टॉपिक कौन कौन से रहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि अगर एक पर्सन है जो 20,000 रुपये कमाता है और 20,000 के 20,000 ही उड़ा रहा है, उसको कोई सेविंग से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये सोचिए जब वो चलेगा, क्रेडिट कार्ड बनवा लिया उसने, शॉपिंग करता जा रहा है, क्योंकि आजकल का यूथ सबसे ज्यादा यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, शॉपिंग कर दे रहा है, घूमना फिरना चल रहा है, कभी मनाली जा रहा है, कभी शिमला, कभी कहीं कहीं, मतलब ये सब चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें आजकल देख रहे हैं हम, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं वो घूमने जा रहा है, चलो मैं भी जा रहा हूँ, ये सबके साथ है। आजकल का यूथ एक्चुअल में ऐसा कर रहा है, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बेसिक अपना सैलरी को, मतलब सैलरी आई 10 दिन के अंदर उड़ा दी, उसके बाद फिर पूरा महीना रो पिट के निकल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो सेविंग की आदत उसमें नहीं जा रही, जो नहीं जा रही तो फ्यूचर में वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए, हमारे को सिखाने के लिए कि अगर फाइनेंस है, पैसा है, तो उसको कैसे मैनेज करना, उसकी नॉलेज लेना,
उसको कैसे कहाँ लगाना है, फिर कैसे डिसीजंस लेने हैं, कहाँ पे लगाएं जिससे अच्छा खासा इंटरेस्ट आए, ये सारी डिटेल एक एक यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तभी मैं आप लोगों को इंटरेस्ट जगा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के, कुछ लोग हैं फाइनेंस के बारे में अलग अलग नॉवेल्स पढ़ते हैं, कोई है इंटरनेट से उसके बारे में पढ़ रहा है, कोई सोशल मीडिया फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर रहा है। ये सब क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि आजकल पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो लोग कमा लेते हैं लेकिन उनको एक्चुअल नहीं पता होता कि पैसे को कहाँ किसना कब लगाना है कि उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलो आओ फटाफट से फाइनेंशियल लिटरेसी की डिफाइन जाने, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा जो कि हमारे अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस को जगाता है, पैसों के रिलेटेड अवेयरनेस को जागरूक करता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, हमारा को ज्ञान देता है, स्किल देता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप आपकी अच्छी खासी इनकम है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है, चाहे वो आपकी कहीं ऑनलाइन से आ रही है या ऑफलाइन आप कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसा आ जाना एक अलग चीज है। लेकिन उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेना कि कब कहाँ लगाना है, ठीक है, तो वही है एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन भी लेना। फाइनेंशियल डिसीजन हम कब लेंगे? जब हमें अच्छी खासी नॉलेज होगी कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है या लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। कि अगर हमें अपने गोल तक पहुंचना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा खासा अर्निंग सोर्स बना लें, कि अगर हमने आज 2 रुपए कमाए हैं तो 2 रुपए से 20 रुपए कैसे बनाए, यही हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाता है। कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानर भी क्यों हायर करते हैं कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस, मनी को कैसे मैनेज करना है। जैसे एक पर्सन होता है वो बहुत हेल्दी है, अब वो पतला होना चाहता है, तो या फिर आप देखते हैं कितने बड़े बड़े हमारे कह लीजिए जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, जितनी बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं या हमारे एक्टर्स हैं, ये लोग डाइटिशियन क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों? ताकि उनको वो उस टाइम पे पूरा बताती हैं कि आपको इतने इतने बजे आपको पानी पीना है, इतनी आपको डाइट लेनी है। ये सब क्या है? एक डाइटिशियन को के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए लोग फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर तक को हायर करते हैं ताकि उनका फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कब कितना कहाँ लगाना है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, बहुत बिजनेसमैन होते हैं, बट उन्हें एक्चुअल में नहीं पता होता कि अब मैं कहाँ लगाऊं कि 2 से 20 रुपए और 20 से 500 रुपए कैसे बनाऊं, राइट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना अच्छा खासा मेरा समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाना चाहा। और मैंने एक और एग्जाम्पल देती हूँ, सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आप पढ़ोगे ना लाइन टू लाइन, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सैलरी है, एक पर्सन है वो 20,000 की नौकरी कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी आई तो उसने किस किस चीज में खर्चा कर दिया? खाने में खर्चा कर दिया, कोई उसने कोई किस्त वेस्ट बनवा रखी थी, आईफोन आजकल बड़ा चल रहा है, किस्तों वेस्तों पे ले लिया है, वट एवर। मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों को समझाने का, रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे बहुत बेस्ट लगते हैं, तभी मैं देना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि आप लोग भी उस चीज से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं बुक से ज्यादा अपने जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसमें ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो EMI बनवा ली, रेंट दे दिया, सपोज वो पर्सन रेंट पे रह रहा है, उसकी सेविंग 0 हो रही है। आप ये सोचो कि अगर वो सपने सजा के बैठा है, अब होता है ना आजकल हम लोग रील्स देखते हैं कि वो बंदा गाड़ी से उतर रहा है या उसने BMW ले ली या फिर लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, तो ये सब चीजें जब देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है उस रील को देख के या उस वीडियो को देखकर, तो हमें भी लगता है काश हमारे लिए भी कोई ताली बजाए। तो वो तभी आता है जब, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम लाइफ में कुछ हद तक पहुंच जाते हैं, जब हमारा कुछ स्टेटस हो जाता है। अगर आज हम किसी की BMW देख रहे हैं तो अगर हम खुद की में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वो कब होगी? जब हम सेविंग की आदत डालेंगे। तो ये बुक कहीं ना कहीं हमें सेविंग की आदत डलवाएगा, कब क्या लगाना है, कितना लगाना है, कहाँ लगा के हम कैसा कमाएं, है ना। तो ये मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल इसका दे दिया है और मुझे लगता है आई होप आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आया होगा फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है बेसिकली। तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर और इन्वेस्टर इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग। कि जो भी इन्वेस्टर है, अगर कोई इन्वेस्टर आज पैसा लगा रहा है, कहीं भी लगा रहा है, चाहे वो बैंक में लगाए, चाहे वो कहीं भी लगाए, जैसे शेयर मार्केट में लगा रहा है, तो उसको पता है रिस्क तो है ही है लेकिन वो कमा भी लेगा। अगर आज उसको लॉस हुआ तो कल वो पूरा कर लेगा, है ना। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसके कॉन्सेप्ट, उसका रिस्क भी बताती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं कि हाँ जी शेयर में इतना पैसा लगाने से इतना इतना बनेगा, लॉस के बारे में बता ही नहीं रहा, रिस्क के बारे में बता नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों बताए जाने हैं और थ्रू इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देके।
and or objective advice, develop the skill and confidence to become more aware of the financial risk and opportunities. कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और कौन कौन सी फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं. अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसमें इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं चीजें सिखाई जाती हैं. अगर उसको पता है कि अगर उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, इंप्रूव करा जाता है उसके उसके रिस्क, उसके अपॉर्चुनिटीज, इंस्ट्रक्शन, सब कुछ समझाया जाता है, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी खासे डिसीजन सही टाइम पर ले सके. आई होप आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल, बेसिकली पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारा सक्सेशन प्लानिंग है, यानी कि चूजिंग इन्वेस्टमेंट कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है. टैक्स की प्रिपरेशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना कमा रहे हो और गवर्नमेंट को टैक्स ना दें, तो वो भी मैंडेटरी है. शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन कौन से आप कर सकते हैं, आजकल बहुत लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग कैसे करनी होती है वो आज हम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो कंपोनेंट क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी के, तो ये भी देख लेते हैं. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है बॉक्स में, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है, फिर अचीवमेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल वेलबींग. ये तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा. और उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी के कंपोनेंट्स, तो सबसे पहला आता है कि अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को समझना और साथ ही साथ फाइनेंशियल नॉलेज को लेना. तो आप बस मेन पॉइंट बस फाइनेंशियल नॉलेज याद रखना है, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो. फाइनेंशियल बिहेवियर हम लोगों को ये बताता है इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मैनेज द मनी, कि एक इंसान को, लोगों को कैसे अपनी मनी को मैनेज करना होता है डे टू डे बेसिस पे, ठीक है. ये नहीं है कि आज हमने 10 रुपए बचा लिए और कल 20 रुपए खर्च कर दिए, तो वो फाइनेंशियल बिहेवियर का पार्ट नहीं है. कि आज हम बचत करके कल डबल खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारी कोई भी नॉलेज में काउंट नहीं होगा. मेक फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, स्पेंड कितना करना है, सेव कितना करना है. कुछ लोग तो मतलब इतने अच्छे होते हैं, मतलब जिनको लगा होता है ना, मतलब चस्का लगा होता है कि बिल्कुल सेविंग करनी है, दबा के पैसा कमाना है, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है कि हाँ हमें इतना इतना करना है ना. तो उन लोगों की अगर सैलरी आती है ना, सैलरी से सीधा उन लोगों के पैसे सेविंग में पहले जाते हैं, बाद में वो खर्चे का निकालते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेविंग में बिलीव नहीं रखते, वो पहले खर्चा करते हैं और उसके बाद बचा खुचा सेव करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते, ठीक है. तो सबकी बात नहीं कर रही हूँ, समझाने के तरीके हैं. स्टडिंग पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं हमारे सेविंग को लेके, प्लेसिंग शॉर्ट टर्म डिजायर ओवर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कि अगर हमें लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी चाहिए तो आज से जोड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से उसके लिए बचत करनी पड़ेगी. क्लियर हो गया. फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. तो सबसे पहला क्या आता है, रिकनाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस. सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं. ये नहीं हो कि अगर आपकी इनकम 20,000 है और आप खर्चा ही 30,000 कर देते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ऐसा तब हो सकता है जब आपने घर वालों से भी ले रहे हो और अपना भी खर्चा कर दो, तो कोई फायदा नहीं है. तो ये हमें ये सिखाता है, यहाँ पे देख रहे हो ना इंपॉर्टेंस लिखा है, कि अगर फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में पढ़ रखा होगा, नॉलेज ले रखी होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इनकम और एक्सपेंस को कैसे, उसके गैप को कैसे कवर करना है, कैसे बजट बना के चलना है डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग जो है अपने गोल तक पहुंच पाए. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि हमारा बेटी घर में है तो उनकी शादी करनी है, तो वो कई सालों से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई. या फिर कोई बच्चे को आगे पढ़ाई करवानी है, 12th के बाद वो कोर्स करेगा, तो आज से जो है पूंजी जोड़ना शुरू करते जा रहे हैं वो लोग. तो उन्हें पता है कि कैसे खर्चे को कम करके उसको बचत करनी है ताकि आने वाला भविष्य बच्चे का सही रहे. पे ऑफ डेट्स एंड स्टे आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है, व्हेन कंपेयरिंग लोन टर्म लुकिंग फॉर द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म सेविंग. अगर हमने आज सोचो कि सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट हाँ होता है ना, वो एक आदत पड़ जाती है. क्रेडिट कार्ड है, चलो जी आज ये शॉपिंग कर लो, आज वो कर लो, इन सब से क्या हमारी हैबिट बिगड़ जाती है. इससे क्या होता है कि आपकी सैलरी बाद में आती है और आप पहले ही वो चीज खरीद चुके होते हो, और सैलरी आते ही आप उसमें से बस EMI पे आपका चल रहा है और आपका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. इससे क्या है कि आप कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे, आप जिंदगी भर आपकी किस्तें चलती रहेंगी, आप क्रेडिट कार्ड के सहारे चलते रहोगे. तो आपको मैनेज भी करना आना चाहिए. अगर आपके माइंड में सबसे पहली चीज फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होगी, सारी चीजें पता होंगी, तो आपको पता होगा कि मुझे खर्चा करना है तो इतना करना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं करना. अवॉइड गोइंग इनटू डेट और डिक्लेयरिंग बैंकरप्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर आज हमने खर्चे ज्यादा कर दिए, फॉर एग्जाम्पल मेक अ प्लान फॉर रेगुलर सेविंग एंड डे बाय डे एक्सपेंसेस. खर्चे तो बढ़ते रहेंगे, खर्चे कभी कम नहीं होते. आज आप एक चीज खरीदो, दूसरी पहले से तैयार होगी, तो आपको खर्चों को, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को खत्म करना है, कम करना है, नहीं तो आप बैंक करप्ट हो सकते हो. अब ये सोचो कि किसी चीज की हमें जरूरत है ही नहीं, जैसे आज किसी के पास गाड़ी है, वो सोचे नहीं आज तो BMW लेनी है, तो भाई वो चीज के बिना उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर वो सारी चीजें ही डेट में ही डूबा रहेगा तो वो एक टाइम पे आके दिवालिया हो ही जाएगा. तो
कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है, हमें ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, स्ट्राइव जो हम सोच भी नहीं पाते थे, स्ट्राइव फॉर अ सेफ रिटायरमेंट, इससे हमारी रिटायरमेंट भी सेफ होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी से हमें बेटर सेंस पता चलता है, पैसों का सेविंग करने की आदत डालनी है, कितनी डालनी है, कब क्या करना है सब बताएगा, लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग, वैल्यू भी बताएगा कि सेविंग करनी है तो किस में करनी है, अगर सेविंग की आदत डाल रहे हो, जो बच्चे हैं अभी आप, मैं मान के चलती हूँ आप लोग बैंक बैंक जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ, उन्होंने सेविंग स्कीम जो होती है जैसे आरडी हो गया कि हर महीने 6-6 हज़ार या 5-5 हज़ार हर महीने फिक्स जा रहा है, आरडी करवा रखी है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आरडी वगैरह क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, मतलब पैसा जमा करने का कहीं ना कहीं प्लान बना रखा है उन्होंने सेविंग की, आज जुड़वा रहे हैं पैसे तो कहीं ना कहीं 10 साल बाद वो काम आएंगे या 15 साल बाद काम आएंगे, है ना। तो ये चीज फर्क पड़ती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमें इतना ज्यादा पता है चीजें, बट हम अपना एंजॉयमेंट में ज्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं, जबकि हमारे पेरेंट्स बचत में ज्यादा बिलीव रखते हैं, क्योंकि एज भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम गलत है, हमें अपने शौक भी पूरे करने होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सेविंग भी करनी होती है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड से भी अगर हम बच सकते हैं, अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट है पर्सन है, अगर हमें चीजों का ज्ञान है, हमने पढ़ रखा है, तो हम फाइनेंशियल फ्रॉड से भी बच सकते हैं, जो आजकल बहुत सारे होते हैं, खैर अच्छे अच्छे पागल बन जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, बट चीजें अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है उस चीज के लिए, जो हमने डिफाइन में पढ़ा भी था कि अवेयरनेस को भी जगाएगा, नॉलेज के होता है ना, तो वो सारी चीजें आती हैं। तो उसके बाद आता है हम लोगों का कि बेनिफिशियल कैसे है, तो गिव मोर सेल्फ इंश्योरेंस वाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, आप लोग लेते हैं कि भाई इस इतना मॉर्गेज लेंडर होगा या फिर कितने टाइम। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, गिव द एबिलिटी टू बार्गेन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा साधारण सा मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बार्गेन करना आ जाता है, यानी कि एक पर्सन को पता चल जाता है कि अगर वो लोन ले रहा है तो उसको कितने टाइम में चुकाना है, और ताकि वो अपना घर भी चला सके, साथ साथ अपने लोन भी पे कर सके और कम इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और अगर उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है तो बाद में वो कैसे लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट को पे करे और कैसे और सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना बोरो करना है, ये सारा का सारा उसको नेगोशिएशन करना आ जाता है। थर्ड पॉइंट इज मेक इट इजियर टू डिफेंड योर सेल्फ, डिफेंड का मतलब होता है बचाना, हम अपने आप को फ्रॉड से भी बचा सकते हैं अगर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटरनेट स्कैम होते हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, उससे भी हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज आवर लाइवलीहुड ऑफ रीचिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कहीं ना कहीं हम अपने लाइवलीहुड को भी इंक्रीज कर पाते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं, अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं, हमें डिफरेंस पता लगने लगता है कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं, कहाँ हम बेटर कर सकते हैं अपने आप को, मतलब एक रियलिटी पता चलती है आपको, गैप पता चलता है गोल के बीच में और रियलिटी के बीच में। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड, यानी हमारा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमें ऑफर करता है कौन, फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन सीम्स टू अमंग द बेस्ट अर्नर, क्योंकि वो बेस्ट अर्नर्स हो जाते हैं, कमाना तो वो सीख रहे हैं, पीपल हु हैड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो हैड हायर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और कई लोग तो फाइनेंशियल एडवाइजर तक हायर करते हैं ताकि उन लोगों को पता रह सके कि कहाँ पे कितना लगाना है, क्योंकि उनको अच्छे से नॉलेज होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा लगाते रहते हैं, उन्हें पता है कि मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है, राइट। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग अपने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी के नॉलेज पे, कि क्या नॉलेज देना चाहता है वो हमें, तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डेट मैनेजमेंट हो गया, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बताता है, मनी टाइम वैल्यू बताता है, ये सारी नेसेसरी होती है फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है बजटिंग, बजटिंग नाम से ही क्लियर है, यानी कि बजट बनाना, बजट में आप साफ साफ ये बॉक्स समझ लो, आपको सारा समझ आ जाएगा, आप पेपर में ये बॉक्स भी कहीं ना कहीं बना सकते हैं, जरूरी है सेम वैल्यूज हो, बस आपको एक दिखाना है कि कैसे हम लोग खर्चों को और इनकम को मैनेज करते हैं, उसी को हम बजटिंग कहते हैं। जैसे खर्चा यहाँ दे रखा है, रेंट है 30,000 का, यानी मंथली एक्सपेंस उसका 30,000 एक पर्सन का बता रखा है, लोन रीपेमेंट फॉर कार लोन 10,000, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15,000 है, ग्रोसरी का बिल 15,000 है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 और सेविंग फ्यूचर के लिए 20,000 हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 लाख पर मंथ अगर कोई बंदा है, कोई सैलरी कम पे काम कर रहा है और उसे 1 लाख उसकी इनकम है, तो वो इस तरीके से अपने खर्चे करता है, उसमें से 20,000 ही बचा पाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वो अपने खर्चों को कहीं ना कहीं कम कर दे तो आके अच्छी सेविंग्स कर सकता है, तो वही तो है बजटिंग, हर एक इंसान अपना बजट अलग तरीके से बनाता है, बनाता है। उसके बाद आता है डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, यानी कि जो हम किसी से पैसे लेते हैं, जैसे बैंक से ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं या फिर कहीं से भी ले रहे हैं,
ठीक है, तो देखो डेट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए गए। देखो वाई बोरो विद इन अ लिमिट, कि हम लोग बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो ब्याज तो देना पड़ेगा। अब वो कहाँ से ले रहे हैं, चाहे वो हम बैंक से ले रहे हैं कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो जाएगा ना, ब्याज तो जाएगा ना। और कभी कभी जब हम लोन लेते हैं कैसे कोई लग्जरी आइटम परचेस कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे को लग्जरी आइटम के चक्कर में हम खुद ही दिवालिया हो रहे हैं या खुद हमारे पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे ही चले जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट इज सेविंग। सेविंग, हम लोगों को सेविंग क्यों करनी चाहिए, वाई सेव। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जरूरी होती है। कोविड इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर आज सेविंग हमारे पास नहीं है तो हम देखो कितने सारे लोग ऐसे थे जिनके पास सेविंग नहीं थी, उनके पास खाने तक का पैसा नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोविड जैसी सिचुएशन आएगी और लोगों को अपना अकाउंट तक खाली करना पड़ेगा, है ना, खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों ने कोविड से सीखा है कि सेविंग करनी जरूरी होती है, ठीक है। और सेविंग इंपॉर्टेंट भी होती है, ये हमारे फ्यूचर के कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको रिकवर कर लेती है और हमें इतनी टेंशन भी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, स्टॉक, आजकल देखा है शेयर मार्केट बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें किसी से सुनते हैं कि हम लोग शेयर में पैसा लगाते हैं तो हर किसी को लगता है कि हाँ ठीक है इतने से इतने पैसे बना लिए तो हम भी लगा देते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग हो, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है, बैंक में लगा रहे हो तो किसमें, एफडी में लगा रहे हो, आरडी में लगा रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको ये इन्वेस्टिंग तक बता दिया है। उसके बाद आते हैं हम लोगों के लेवल्स हैं एजुकेशन के, एंड न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन है। लेवल ऑफ एजुकेशन में बताया गया है कि मनी मैनेजमेंट इज पर्सनल टैलेंट होता है। देखो मनी को मैनेज करना तो खुद के पास ही अपना एक टैलेंट है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना खर्च करते हैं, कहाँ पे कितना लगा रहे हैं और कहाँ पे खर्चा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई बिल्स पे खर्चा कर रहे हैं, कहीं भी खर्चा कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना है, तो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है कि उसको कितनी नॉलेज है। डिपॉजिट फंड, अगर हम पैसा बैंक में डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंट वगैरह खुलवाना पड़ता है। ये पूरे स्टेप्स लिखे हैं, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, फिर आपको पे स्लिप, पे चेक जो होता है वो रिसीव हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। बजटिंग मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ, बेसिकली नॉलेज है आप लोगों की, इज वन ऑफ द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ गुड पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। आपके गैप को खत्म करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते। इन्वेस्टिंग अभी बता दिया आप लोगों को मैंने कैसे होता है। इन्वेस्टिंग में आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि अगर आज हम बैंक में लगा रहे हैं पैसा तो बैंक हमें कितना इंटरेस्ट दे देगा, यही अगर हम शेयर में लगाते हैं तो उससे हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा कम समय में। तो वो इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं, प्राइस रेंज क्या है, हमारे पास अभी कितना फंड है, हम कितना लगा सकते हैं, वो भी तो डिपेंड करता है ना। अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो हम शेयर में कैसे लगा लेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है बोरिंग्स। बोरिंग्स में क्या, हम लोग बोरो करते हैं। बोरो क्यों करते हैं, जैसे कंपनी है वो बोरो करती है, जैसे शेयर इशू कर देगी, वो बोरो बोरो फंड ही तो है कि उनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर पे करना है, तो वो बोरिंग्स में आता है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज करती है, और अगर हम लोगों को भी चाहिए, जैसे कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं उसके ऊपर। टैक्सेशन क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर हमारी इनकम डिसाइड कर दी गई है कि आपकी इतनी इनकम होगी तो आपको आईटीआर वगैरह आपने सुना होगा भरते हैं, तो वो क्या टैक्स हम पे कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने टैक्स भरना चालू कर दिया उसके बाद गवर्नमेंट की नजर में आप लोग आ जाते हैं और आपको भरना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल्स क्या है, हाउ टू स्टिक अप मंथली बजट, किस तरीके से बजट बनाना है, मंथली के खर्चे कितने करने हैं, डेट में नहीं डूबना है, और अगर हम किसी से कर्ज ले रहे हैं तो काम की चीज के लिए लेना है, जैसे लोन है, स्टडी लोन हो गया, किसी की मैरिज का लोन हो गया, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो कॉमन है कि चलो ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि किसी को लग्जरी गाड़ी चाहिए या कोई बाइक चाहिए, या फिर अभी उसके पास एक घर है वो दो घर लेना चाहता है, तीन घर लेना चाहता है, अच्छे बंगलो लेना चाहता है, तो उस चीज पे खर्चा करता जा रहा है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है उस चीज का भी, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, ठीक है। तो उसमें यहाँ सब बताया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करिए कि एम्प्लॉय टूल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है, आप देखते होंगे न्यूमरस सर्विसेज आजकल अवेलेबल होती है ऑनलाइन में, देर आर क्विकली लिंक टू चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, मॉर्गेज हो गए, वी कैन प्रिपेयर अ बजट यूजिंग दीज टूल। इन्हीं टूल्स की मदद से हम लोग अपना बजट तैयार कर सकते हैं, और आजकल तो हर एक चीज अवेलेबल है। हमने पिछले मंथ का देखा हमने कितना खर्चा किया था उसके टूल्स के हिसाब से, और भी हमने कितनी किस्तें जा रही है सबको जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा खर्चा कितना है और किस पे कितना कितना होगा। तो आस्क फॉर गाइडेंस, हम लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, कहाँ हमें बेनिफिट होगा। एम्प्लॉय अवेलेबल नेटवर्क्स होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं इसमें भी मदद करती है हम लोगों की, नेटवर्क्स बनाने में। बजट नॉलेज हो गया,
कि बजट की हमें नॉलेज होनी चाहिए, वी कैन रिड्यूस, ठीक है। ये नहीं है कि एक्सपेंसेस हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर प्लान्स भी करने होते हैं, उस पर स्टिक रहना होता है। ये नहीं है कि आज ही हमने सारा खर्चा कर दिया। अवेयर ऑफ क्रेडिट, उधार की भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये सारी चीजें थी। डेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, लोन्स हो गया, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर हो गया, ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को। आता है स्किल्ड इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इनटू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में कैसे काम आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं, जैसे कैपेसिटी टू इवेलुएट पर्सपेक्टिव रिस्क क्रिटिकली इज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस होल्ड प्रोफाइल है एंड पॉसिबल सिनेरियो, सक्सेसफुल आउटकम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल के गोल्स पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। यानी फाइनेंशियल कंपैरिजन किससे होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही होगा। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो होते हैं वो डिटरमाइन किस पे करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, कि जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट से तो वो चीज हम करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, है ना। दूसरा, रिसॉल्विंग इशू, अपने इश्यूज को भी रिसॉल्व करना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग जो है रीजनेबल स्टैंडर्ड फॉर सक्सेसफुल लुक फॉर द इवेलुएट रीजनेबल रिलायबल सोर्सेज एज दे आइडेंटिफाई वर्केबल आंसर टू द प्रॉब्लम टू एट हैंड एंड कंसीडर द रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कराई जाती है, सिंपल मैटर सिखाए जाते हैं कि कैसे ट्रस्टवर्दी चीजों को चूज करना होता है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, है ना, ये सारे। उसके बाद है इंटरेक्शन आता है, जैसे ऑनलाइन मेथड हो गए, रोल प्लेइंग एक्सरसाइज हो गई, ये भी हमारी बहुत मदद करती है इन सब चीजों में, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, तो आप लोगों को पता है ये सारे पॉइंट इजी इजी पॉइंट्स, आप लोग जो आसानी से आपको याद हो जाए वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट इन फाइनेंशियल लिटरेसी, की क्या क्या एडवाइस रहती हैं। तो सबसे पहला, टू मेक द एक्सपीरियंस रिलेवेंट, गेट टू नो द स्टूडेंट। आज हमें ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर हमें ये सारी चीजें ना पता होती, मतलब वैसे थोड़ी बहुत पता होती है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पर कि हमें कैसे बचत करनी है, लगाना है तो पैसा कहाँ लगाना है, कैसे अपने बजट को, सबसे पहले सेविंग को अलग करना होता है, उसके बाद खर्चे करने होते हैं। ये सारी मेन मेन चीजें हम लोगों को पता थी, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज का यूथ जो है घूमने में फिरने में, मोबाइल शॉपिंग, इन सब में ज्यादा चीजें कर रहा है, और बाकी भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद से सारी सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। और बात पहले की भी बात करूँ तो कुछ लोग सेविंग के बहुत पक्के होते हैं, वो करते ही करते हैं, बट कुछ की जो होते हैं वो नहीं कर पाते। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कुछ एजुकेटिंग स्टूडेंट को एडवाइस थी, जैसे कि प्लान योर एक्टिविटी विद द प्रैक्टिकली, उन लोगों को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, सर्वे करवाना पड़ता है कि क्या क्या एक्सपीरियंस ऐसे हैं, आप लोगों ने कितनी सेविंग कितने टाइम में करी, फिर कैसे बढ़ाई, अगर एक्स्ट्रा मनी है तो लैंड कैसे लेना है, उससे कैसे जनरेट होगा पैसा, क्योंकि हर बार बैंक में डालने से हमारा इतने अच्छे इंटरेस्ट नहीं बन जाते, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। और रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सेफ गार्ड पर्सनल डेटा, ठीक है। तो इसमें ग्रुप टॉक्स होती हैं, व्हेन स्टूडेंट में यूटिलाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑटोनोमस लर्निंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें बताई जाती है पर्सनल डेटा से रिलेटेड, कुछ आइडियाज दिए जाते हैं लर्निंग के, है ना, ये सब आता है। उसके बाद आता है द 5 C's अप्रोच वुड बी यूज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाना हो तो 5 C अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या होता है, कॉन्टेंट, फिर आता है कैपेसिटी, फिर कम्युनिटी, फिर कम्युनिकेशन, फिर कोलैबोरेशन। सबसे पहला कंटेंट क्या बताता है, कंटेंट बताता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मटेरियल कौन कौन से हैं, कि इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट हो गया, कि यंग अडल्ट्स हो गए, जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, वुमेन, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गई, छोटी मोटी, या आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, तो ये सब क्या है, दोज हु आर इलिटरेट, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको कॉन्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कैपेसिटी, कैपेसिटी में आता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द डिलीवर फाइनेंशियल एजुकेशन, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन को डिलीवर करना है, उसी को हमें कोड ऑफ कंडक्ट बोला गया है। तीसरा कम्युनिटी है, कम्युनिटी क्या बताती है, लिटरेसी मॉडल तैयार करती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट बताती है कम्युनिटी का, जैसे कि स्ट्रैटेजीज बताना और डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाना, स्प्रेड कर देना पूरा। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है, मीडिया आउटलेट्स हो गए, क्रिएटिव कम्युनिकेशन मेथड का यूज किया जाता है, ताकि हम तरह तरह के लोगों को मैसेज पहुंचा सके कि फाइनेंशियल एजुकेशन आज के टाइम पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड इसके कुछ लेसन्स बनाए गए हैं। और उसके बाद आता है हम लोगों का कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में क्या होता है बेसिकली, कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन में बेसिकली होता क्या है, एक डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट किया जाता है, और उसमें तरह तरह के जैसे बीएड एमएड जो होते हैं कोर्सेस वगैरह, प्रोग्राम का जो मिशन होता है वो तैयार किया जाता है और बताया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है। ऐसे ही इंक्लूड द स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन नंबर ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स, आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं
वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए करे जाते हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी समझाया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, और प्लीज़ सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाएं। एग्जामिनर का नहीं पता होता, आपको सब कुछ करके जाना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे ना रहें, वो भी कर सकते हैं बट वन शॉट भी सब करके जाएँ। लेसन नंबर टू है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज। तो ये सारे टॉपिक हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है बेसिकली? तो देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं मैं अगर ये तुम्हें पढ़कर बताऊं तो इसमें लिखा है दे एट द मिडल मैन, ये बीच का बंदा होता है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, यानी कि जो सर्विसेज है वो कस्टमर तक को प्रोवाइड की जा रही है। हु आर बोथ सेवर एंड इन्वेस्टर, कुछ लोग सेव करने के लिए आ रहे हैं और कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को हमने क्या टर्म दिया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक भी आता है, इंश्योरेंस की कंपनीज भी आती हैं, पोस्ट ऑफिस भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को लोन चाहिए तो लोन कैसे लेता है वो, बैंक के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? तो यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास फालतू पैसा पड़ा होता है, फालतू के मतलब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, वो लोग बैंक में जाके डालते हैं। तो बैंक क्या करता है, उसी पैसे को कहीं ना कहीं आगे जो है वो दे देता है उधार पे लोगों को। तो वही लोग बोरो कर लेते हैं, फिर उससे इंटरेस्ट ले लेता है, और जो जमा कराने आए होते हैं उनको ब्याज दे देता है, ठीक है, और जो लेने आए उनसे ब्याज ले लेता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है प्रमोशनल एक्टिविटी करता है ये, कैसे कि मान लीजिए कोई भी कैपिटल है, पर्टिकुलर कैपिटल हो गया या फिर कोई स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं इनमें आते हैं, पैसा लगाते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करता है, इंडस्ट्रियल इस्टेट हो गया, टेक पार्क्स हो गया, रोड वाटर इन सब पे खर्चा करना, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है बैलेंस डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट क्या होता है बेसिकली, एक्सपेंडिंग बैंकिंग एक्टिविटी, ये बेसिकली बैंकिंग की एक्टिविटी को एक्सपेंड कराता है, बढ़ाता है टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, जो गाँव के जो शहर हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं उनमें ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पैदा करता है। आप देखते होंगे कि पहले के टाइम पे बैंक जो थे वो गांव में बहुत कम होते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कितने सारे बैंक्स खुल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई या फिर कोई इंडस्ट्री जनरेट कर रही है, कोई इंडस्ट्री बनेगी तो उसमें लोगों को काम तो मिलेगा ना, तो इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे बढ़ जाता है। बैंक में अगर बैंक खुल रहे हैं तो उससे लोगों को काम मिल रहा है, काम मिल रहा है तो लोग कमा रहे हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो सबसे पहले FI मतलब वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट में लिखा गया है। FI जो है इंटरमीडिएटरी टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदल देता है, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने ऑपरेट किया प्रिंसिपल ऑफ शेयर रिस्क, देयरफॉर कस्टमर मेक अ पेमेंट नोन एज प्रीमियम। जैसे किसी आजकल देखते हैं कि आजकल हम लोगों को कितना खतरा रहता है, तो हम लोग हर चीज़ में इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जैसे हमने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया या फिर गाड़ी लिया तो गाड़ी का करा लिया कि अगर उस पर कोई भी डैमेज आएगा, चोरी हो जाएगी या हमें तो उसका क्लेम मिल जाएगा ना, तो हम ये सब क्यों करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं बदलने का काम करता है। FI जो है हेल्प करता है कन्वर्जन इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इंटू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और कहीं ना कहीं ये हमारे रिस्की इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर देता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में। फॉर वो कैसे, फॉर एग्जांपल इफ कस्टमर रिक्वायर अ लोन हैज़ अ सिग्निफिकेंट गारंटी, बैंक ऑफर लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर। इन ऑन द अदर हैंड कस्टमर हैज़ अ डिपॉजिट, द RBI बैंक मे ऑफर देन द हायर इंटरेस्ट रेट एंड इफ द कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट गारंटी द बैंक मे ऑफर देम अ स्मॉल लोन। अब देखो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वाली एसेट को परचेज कर रहे हैं, FD में लगा रहे हैं, RD में लगा रहे हैं, कहाँ पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम शेयर में लगा रहे हैं, हमें शेयर की नॉलेज नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम वो हमें ये भी सिखाता है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी सिखाता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट को कैसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में बदलना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ होल रेंज ऑफ सर्विस टू एंटिटीज़, नाम से ही क्लियर है कि जो होल रेंज है सर्विसेज होती है उसको एंटिटीज़ में बदलने का काम करता है। जैसे जितने भी बॉरवर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, मतलब देखते हैं कि कितना कितना हम लोगों ने करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हमारा, हम लोन कब तक पे कर पाएंगे, हमारी एबिलिटी क्या है। ऐसी थोड़ी ना है कि हाँ एक बंदा है वो 30,000 कमाता है और उसको उसने लोन ले लिया जी 50 लाख का और वो तो पे कर ही नहीं पाएगा, है ना, तो सारी दिक्कत क्रिएट होगी।
उसके बाद आता है कैटेगराइजेशन है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो आपको ये चार्ट वगैरह अगर आपने पढ़ लिया होगा तो वहाँ बना सकते हो, मतलब आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। बैंकिंग में सेंट्रल बैंक आता है हम लोगों का, और नॉन बैंकिंग में इंश्योरेंस कंपनीज आती है। इंश्योरेंस आप लोगों को पता ही है आजकल कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज खुल रही हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे को सिखाती हैं चीज़ें। और उसके बाद आता है हम लोगों का सबसे पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ ये हो गया चार्ट। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हमारा आता है बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विसेज देता है, किस चीज़ की, आप लोग पैसा निकाल सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट भी आपको मिल जाता है, और आपको कहीं ना कहीं लॉकर फैसिलिटी, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, है ना। तो बैंक के फ़ायदे क्या है, ये तो आप बना बना के अभी आराम से लिख सकते हो। फ़ायदा क्या देता है, आपकी मनी को सेव करने में इनकरेज कर रहा है, क्योंकि अगर ये बैंक खुले हैं तो आपको क्या सिखा रहा है कि आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, FD खुलवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें खुलवा रहा है। जैसे फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आपने, आपके पास 50,000 या 1 लाख ऑलरेडी पड़ा था, तो आपने डायरेक्ट वो जमा करा दिया 5 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। वो फिक्स डिपॉजिट है, आप उसको नहीं निकाल सकते, चाहे आपने 5 साल के लिए डाला या 10 का निकाला है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते, उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा। सेविंग अकाउंट क्या, जो हम आमतौर पर खुलवाते हैं, जिसमें हमारे को पैसा मिलता है कहीं ना कहीं, ये वाला देख सकते हैं, सेविंग अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट जो होता है बेसिकली कहीं ना कहीं जो हम डेली आमतौर पे खुलवाते रहते हैं, और उसमें जितना मन चाहे डाल दिया, और थोड़ा टाइम पड़े रहते हैं पैसे, तो इंटरेस्ट आ जाता है। रेकरिंग में क्या होता है, अगर मैं इसकी रेकरिंग की बात करूँ, RD की, RD तो RD क्या होती है, पर मंथ से, आप इसको याद रखें, पर मंथ से, यहाँ लिखती हूँ पर मंथ। तो पर मंथ से याद रखना कि हर महीने जिसके पास, अगर मान लो कोई 10,000 कमा रहा है, 10,000 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, अगर मान लो कोई 20,000 कमा रहा है, ठीक है, जिसमें से वो 10,000 रुपये आराम से हर महीना निकाल सकता है, उसके खर्चे बहुत कम है। जैसे कोई बच्चा है, उसके घर का खर्चा तो पेरेंट्स ही चला लेंगे, अगर वो कमा रहा है साइड बाय साइड इनकम 20,000 कर रहा है, तो 10,000 रुपये हर महीना सेव कर रहा है, तो वो क्या RD है, हर महीने पैसा डालता जा रहा है, वो RD होती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी इनकरेज करता है। फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र को भी ये मदद देता है, कौन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक। बैंक सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली, बहुत कम समय के अंदर, लेस रेट के अंदर वो पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है, ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू, ये सारी चीज़ें होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रेड हो गया, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये मैं मान के चलती हूँ आप लोग 11th में पढ़कर आ चुके हैं, तो ये वो तक पता होगा आपको। लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन जो होती है विद बैंक, सेविंग ऑफ द पीपल, डिपॉजिट इन द बैंक, कि हम लोग बैंक में, आपको पता है लिमिट्स होती हैं, SBI में डालो कितनी लिमिट है, कितना एक बार में ट्रांसफर करते हो, फिर दूसरी बार करते हो। एड टू गवर्नमेंट में आ जाता है, आप लोगों का यहाँ चार्ट बना हुआ है, कि जितने भी आपके परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स हम लोग खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि खरीदे जाते हैं। कि बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, देता है गवर्नमेंट टू वेरियस इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं बहुत सारी, गवर्नमेंट के अपने कुछ बॉन्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे चार्ट बनाया है सेंट्रल बैंक का। देखो सेंट्रल बैंक दो पार्ट से डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक होता है, कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं। कमर्शियल में आता है पब्लिक, फॉरेन, प्राइवेट, ठीक है, ये भी वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को। कॉपरेटिव बैंक में आता है अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स, और रूरल आते हैं, मतलब गाँव और शहर वाले, शहरीकरण जो बोलते हैं, है ना, तो वो शहर वाले होते हैं। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। सेंट्रल बैंक से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया का, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है, इसका सीधा सा साधारण सा काम होता है, करेंसी को छापना, बात समझ आई, करेंसी को छापना इसका काम होता है। और इसके फंक्शंस क्या है, दे बैंक रेगुलेट सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी को, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मनी, और कहीं ना कहीं इसका काम क्या है कि नोट को छापना, लेकिन इट्स प्रिंट करेंसी नोट, 1 रुपये नोट को छोड़ करके ये सब छापता है। RBI कंट्रोल क्या करता है, बैंकिंग के फंक्शन को, स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन मॉनिटरी पॉलिसी, बैंकर बैंक इसे बोला जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक में आप लोगों के आ जाते हैं पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स। तो देखो पब्लिक को गवर्नमेंट से याद रखना, ये गवर्नमेंट बैंक होते हैं कहीं ना कहीं, और इनको चलाने वाला कौन होता है, इनको कौन सी गाइडलाइंस मानी जाती है, RBI के थ्रू ये चलता है। दीज आर द नेशनलाइज बैंक होते हैं, मेजोरिटी इनकी जो होती है वो कहीं ना कहीं, जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इनके बारे में लिख सकते हो। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, तो देखो सेकंड कमर्शियल बैंक जो होता है हमारा, प्राइवेट बिजनेस और इंडिविजुअल होल्डर सिग्नेट शेयर ऑफ कैपिटल होता है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ ये स्टार्ट किया जाता है। दीज बैंक आर रजिस्टर्ड, किस स्पेस पर रजिस्टर्ड होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज के तौर पर ये रजिस्टर्ड होते हैं। इसमें क्या क्या आता है,
जैसे आपने ICICI का नाम सुना होगा, HDFC बैंक का नाम सुना होगा, ये सारे जो हैं प्राइवेट बैंक्स के पार्ट है। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? देखो, फॉरेन बैंक वो वाले होते हैं आर ओन्ड एंड मैनेज बाय फॉरेन प्रमोटर्स। ये जो कि मालिक मालिकाना और मैनेज किसके द्वारा होता है? फॉरेन प्रमोटर के द्वारा ही होते हैं, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर होता है इन फॉरेन कंट्री में इनका हेडक्वार्टर होता है, लेकिन ये किसी भी दूसरी कंट्री से मैनेज करे जा सकते हैं, ऑपरेट किए जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी सिंगापुर में कोई HSBC बैंक है, जैसे ज़्यादातर तो फॉरेन बैंक आपने देखे होंगे, मतलब हमारे आसपास HSBC ज़्यादातर देखा होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होता है, ये सारे फॉरेन बैंक है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको अच्छा समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो फॉरेन कंट्री में होता है, लेकिन ये ऑपरेट किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, है ना। तो कॉपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? कॉपरेटिव में मैंने अभी बताया था क्या होता है, स्मॉल साइड ये फाइनेंशियल एंटिटी हुज मेंबर ऑफ द बैंकर बैंक के ओनर्स होते हैं और कस्टमर इसके मेंबर्स होते हैं। कौन? कॉपरेटिव बैंक के। और कॉपरेटिव सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है? स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के साथ ये स्टार्ट करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जब मैंने कॉपरेटिव सोसाइटी पढ़ाया था आप लोगों को। तो कॉपरेटिव सोसाइटी बेसिकली फॉर्म होती है स्मॉल ग्रुप के साथ, छोटे ग्रुप के साथ, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है सबका, तो इसीलिए वो कॉपरेटिव सोसाइटी तैयार कर लेते हैं। और जो कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट पे, और RBI जो है के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। और इसमें अर्बन और रूरल दो आते हैं, अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गाँव। तो जो अर्बन वाले हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेमी अर्बन सेंटर्स में आते हैं, UCB में आ जाते हैं। और दीज बैंक आर इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर स्मॉलर बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को ये पैसा प्रोवाइड करने के काम आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन UCBs एंड कमर्शियल बैंक, है ना। रूरल मतलब गांव के हैं ये, प्राइम बेसिकली ये एग्रीकल्चर जो होते हैं ना, मतलब गांव के अंदर जो खेती बाड़ी के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आर कॉल्ड द रूरल को बैंक, इसे बोला जाता है ना। ये सब है, दे शुड एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम मेंबर से ही ये एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज किसी से भी ये नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है न्यू गवर्नमेंट बैंक स्कीम्स होती हैं, ये तो आपको पता है, नई नई स्कीम्स चलाई जाती हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स आती रहती हैं, आप देखते होंगे, जैसे ये सेविंग अकाउंट पर अलग है, पर्सनल लोन पर अलग है, क्रॉप लोन पर अलग है, वो तरह तरह की आती रहती हैं, ये सब हैं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या आता है? सबसे पहले इंश्योरेंस होता क्या है पहले ये समझ लो अच्छे से, वैसे तो ये भी पढ़ रखा है आप लोगों ने बट रिवाइज हो जाएगा। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, एक इंडिविजुअल होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है ना। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर ये रहा एक इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर। तो देखो, अब समझ आएगा आप लोगों को मैं क्या समझाना चाहती हूँ। देखो, बेसिकली इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में, एक इंडिविजुअल होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, तो वो कौन हुआ? तो वो हमारा इंश्योर्ड हुआ। लेकिन अगर वो किसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो वो इंश्योरर हुआ, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा इंश्योर्ड और इंश्योरर कौन होता है, और इन दोनों के बीच में होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या बोलती है कि हम आपका लॉस जो होगा वो झेलने को तैयार है, लेकिन उसके बदले आपको हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ही हम आपके लॉस को देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बताती है कि हम लोग जो है इंश्योरेंस करते हैं, तरह तरह के जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, जैसे वाइड रेंज ऑफ रिस्क होता है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल से रिलेटेड कोई खतरा होता है, हेल्थ से रिलेटेड है, आजकल हेल्थ वाला देखते हैं ना कितना करवा लेते हैं, किसी को आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को कोई ऑपरेशन हो रहा है, स्टोन हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, एकदम इतना फंड नहीं निकल पाता, लेकिन प्रीमियम देते देते इकट्ठा हो जाता है। तो अगर कोई हेल्थ का इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी पूरा पे कर देती है, बाद में वो चेक करती है हर एक चीज़ की क्यों, कितना, कैसे, कहाँ लगा, है ना। तो इस तरीके से रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्लेम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस कंपनी के? तो रिस्क को स्प्रेड करता है, मतलब रिस्क को स्प्रेड करने का काम है इसका, यानी कि इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं एक दिलासा दे देता है, है ना, कि तुम लोग प्रोटेक्ट हो जाओगे बिजनेस से और लोगों से भी। इंश्योरेंस जो होता है, एश्योरेंस है ये, एश्योरेंस में क्या होता है, एसेट एंड फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जैसे कि मैं इंश्योरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो पड़ता है, पैसा तो खर्चा होता है, ये तो है नहीं कि कोई भी ऐसी कंपनी तुम्हें प्रोवाइड कर देगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो उसके अंदर, कैपिटल फॉर्मेशन लिख सकते हो, है ना। प्रिंसिपल आर मतलब दीज प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट है, नाम से ही क्लियर है। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, यानी देर इज द इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू प्रोवाइड अ इंश्योरेंस कंपनी विद ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि झूठी मूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल एंड इफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन।
अब सोचो कि मान लो तुम प्रीमियम भर रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई तुम्हारी मान लो बाइक चोरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और तुम कंपनी के साथ फालतू में ड्रामे कर रहे हो कि नहीं हमारा ये हो गया वो होगा, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दिखा सकते हो कि हम पैसा ले लेंगे, ठग लेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, इंश्योरेंस फर्म विल नॉट ऑफर अ पॉलिसी विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस फर्म जो होती है वो ऑफर नहीं करती पॉलिसी बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन में आता है मींस अडेमनिटी अगेंस्ट लॉस और डैमेज। जो आपका लॉस हुआ है उसके लिए प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर, है ना, तो जो एक्चुअल में हुआ होगा वही मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट कम्पनसेट एंड इंश्योर फॉर मोर देन द इकोनॉमिक लॉस। मतलब ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब मैं समझाती हूँ, अगर लॉस हुआ 20,000 का, तो ये नहीं है कि कोई बंदा बोले नहीं 50,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा का पूरा तहकीकात करती है, हर चीज़ चेक करती है, तो ही देखती है, देती है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे समझाने के लिए, कि दीक्षित गेट इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट कॉज बाय द इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की ड्राइविंग की वजह से उसको जो है एक्सीडेंट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है वो। इसके केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो क्लेम है मतलब वो कर सकता है। वो पर्सन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने से उसने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। बट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सूट मतलब कहीं ना कहीं केस कर सकती है किसके, थर्ड पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो अपना क्लेम करेगी ना, क्योंकि थर्ड पार्टी की गलती थी, तो कंपनी उससे भी रिकवर करेगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, इफ मोर देन वन इंश्योरर कवर द सेम इशू अदर देन लाइफ, इट विल स्प्लिट द एक्चुअल लॉस अमंग द इंश्योरेंस। यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारी कुछ योजनाएं हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो कि हमें बताती हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, स्कीम अवेलेबल होती है 18 से लेकर 70 इयर्स तक के लोगों के लिए, और ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, स्कीम्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ बताया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और एक है हमारा रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये अलग अलग स्कीम्स हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे आपने पहले ये पढ़ी भी होंगी शायद इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये एक बार आप रीड कर लेना इसको बस। पोस्टल सेक्टर्स कौन से होते हैं, तो पोस्टल सेक्टर्स में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट स्कोप बताया जाता है, सेफ एंड फिक्स रिटर्न कितना मिलता है। बहुत सारे बच्चे पोस्ट ऑफिस गए होंगे, जो जो गए हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कौन कौन गया है, तो बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे। तो पोस्ट ऑफिस क्या है, हम लोग पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत पुराना पोस्टल सिस्टम चलता था, तो इन्वेस्टमेंट स्कोप बताते हैं कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज जो है वो न्यूमरस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है ना, फिक्स रेट सेफ एंड फिक्स रिटर्न भी देता है आप लोगों को, है ना, और लिटिल पेपर वर्क होता है, दे आर सेफ एंड प्रोवाइड अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। आपको फिक्स रेट भी देता है, सेफ भी है, आपका पैसा डूबने का भी खतरा नहीं होता, स्टेबल रिटर्न भी होता है इसके अंदर, है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज भी होती है, मनी ट्रांसफ़र हो गया, डिपॉजिट, रिटेल सर्विसेज, अलग अलग तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और नेशनल कनेक्टिविटी भी रहती है कि मेलिंग लेटर्स हो गए, है ना। पहले के टाइम पे कैसे होता था, पोस्ट ऑफिस से जो है डाकिया जो डाक लाता था, ये सारी हैं आज कल भी आती हैं जो हमारे काम के लेटर्स होते हैं, है ना। न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज हैं वो यहाँ पे यहाँ बताया गया है, सारे के सारे कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ये बस आप रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और उसके बाद आता है बस ये कंपैरिजन का बॉक्स देख लेना, इसमें तीनों आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब अगर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप यही पूरा पॉइंट लिख दें, तीनों का डिफरेंस है तो भी ये लिख दें, अगर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया तो वो भी आप लिख पाएंगे। तो बैंक मैंने आपको समझा ही दिया, अभी इंश्योरेंस कंपनी समझा दिया, पोस्ट ऑफिस भी समझा दिया, उसी का मेन डिफरेंस है। जिनको शॉर्ट में पढ़ना है बस वो बॉक्स पढ़ लेना, उनका काम हो जाएगा, बाकी मैंने डिटेल में करा दिया था। मोबाइल्स ऐप के ऊपर अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले क्या है, ये तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते होंगे, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी आजकल एक ब्लॉकचेन बन चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है चाहे वो फाइनेंशियल ऐप्स है हमारे, फास्ट सर्विस है, क्विकली आप आज किसी को पैसा डालना है तुरंत गूगल पे खोलो, पेटीएम खोलो, पैसा फटाफट ट्रांसफ़र हो जाता है, देखते हैं ना कितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। ट्रस्टवर्दी है फाइनेंशियल मोबाइल ऐप जो है वो सेफ़र है फ्रॉम अनलॉफुल ट्रांजेक्शन्स, ऐसा नहीं है कि आज हम गूगल पे से पैसा भेज रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, एक ट्रस्टवर्दी है एट ऑल दे आर, कोई सा भी आर हो, है ना। शेड्यूलिंग होती है, जैसे इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप इनेबल यूज़र टू हैंडल फाइनेंसेज इंश्योरेंस पोस्टल सर्विस थ्रू ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन जो करते हैं। मोबाइल ऐप फॉर बैंकिंग सेक्टर कौन कौन सा है, आप बैलेंस चेक कर सकते हो, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल भर सकते हो,
चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो, मतलब इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो आप तो, डे बाय डे हर एक चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, तो ये सारी फैसिलिटी आप घर बैठ के कर रहे हो, जब मर्जी कर लो, है ना, तो फ़ायदा तो है ही ना कहीं ना कहीं। उसके बाद आता है मोबाइल ऐप फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, तो ये स्मार्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे डिटेल मांग रही है वो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। मोबाइल ऐप फॉर पोस्ट ऑफिस सेक्टर है, पोस्ट ऑफिस का भी अपना अलग एप्लीकेशन है, उसके बारे में यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी गई है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नीड ऑफ अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड पोस्टल सर्विसेज। बैंकिंग सेक्टर मैंने अभी बताया, इंश्योरेंस सेक्टर बताया, पोस्टल सेक्टर बताया, वो आपने जो ऊपर बॉक्स पढ़ लिया बस सफिशेंट है इतना। उसके बाद केस स्टडी वगैरह आप लोग तैयार कर सकते हैं, और जिन बच्चों को बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, मतलब एक एक लाइन मेन टू मेन याद करनी है, तो वो ये यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं वो देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे सारे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, मतलब समरी कर ली तो आपका हो गया। आते हैं लेसन नंबर 3 पे, ये पूरी यूनिट हम खत्म करेंगे फटाफट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग क्या होता है, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे, तो इंट्रोडक्शन में बस ये बताया गया है हम लोगों का जो चैप्टर था हमारा, किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग पे, कि हमें फाइनेंस को कैसे, फाइनेंशियल की यानी पैसों की कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। वॉन्ट्स, नीड्स, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। वॉन्ट्स क्या होती हैं बेसिकली, ये चीज़ भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, वॉन्ट्स मतलब ज़रूरतें हैं आप लोगों की, नीड्स भी आपकी क्या हैं, वॉन्ट्स हैं, जो चीज़ हमें चाहिए मतलब चाहिए। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स मतलब कमी आ रही है हमारी रिसोर्सेज के अंदर, आजकल डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज की कमी हो रही है ना। आजकल आप देखते हैं कि अगर किसी के पास फ़ोन है, तो अगर किसी के पास अगर MI का फ़ोन है या फिर कोई सैमसंग का है, तो वो सोचेगा मैं जो है कहीं ना कहीं 12 ले लूँ, 12 आईफोन 12 ले लूँ, फिर 13, फिर 14, मतलब ऐसे बढ़ता रहता है, मतलब हमारी नीड्स कभी ख़त्म ही नहीं होती, ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक एक पूरी होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती, दूसरी खत्म तीसरी स्टार्ट, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज की कमी आ रही है कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक व्यू ऑफ नीड एंड वांट की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आजकल डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, और हमारा सेटिस्फेक्शन पूरा हमें नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ से, तो ये सारे बताए गए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन भी बताई गई है कि एक्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग नेसेसरी कैपिटल एंड फिगरिंग आउट द कंपटीशन, कि आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे, किस तरीके से कर रहे हैं, हर किसी बंदे का अलग तरीका होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर रहे हैं, कैसे राइज करना है पैसे को, पैसे को रेज करना है, इन्वेस्ट करना है, मैनेज करना है कैपिटल को, कि अगर पैसा लगाया तो इस तरीके से इतनी जगह पे इतना लगाना है। फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल्स क्या रहते हैं, तो सबसे पहला गोल है हमारा नेसेसरी कैपिटल को कैलकुलेट करना, यानी कहीं ना कहीं दीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कितनी है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी आएगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है हमारी, शॉर्ट टर्म कितनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स ज़रूरतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करना पड़ता है ना, तो इससे क्या होता है, दे कवर चॉइस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब हमें लंबे समय के लिए शॉर्ट टर्म के कर्जे के बारे के रेशियो का भी पता चलता है। डेवलपिंग फाइनेंशियल पॉलिसी पर्टेनिंग टू बोरिंग, लेंडिंग एंड कैश मैनेजमेंट, अगर किसी के साथ पैसा है तो अगर कम है तो बोरो कर ले, बोरो कर रहा है तो फिर लेंड कैसे करे, फिर उसके बाद क्या है, कैश मैनेजमेंट कैसे करे। तो फाइनेंशियल मैनेजर मेक श्योर दैट लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज टू एफिशिएंटली, किस तरीके से एफिशिएंटली उसको यूज़ करें ताकि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, है ना। तो ये सब है इंपॉर्टेंस और नीड क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर हम फाइनेंशियल की प्लानिंग, पैसों की प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, यानी फाइनेंस को कितना रेस करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज पॉसिबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड टू इन्वेस्ट एंड परफॉर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रोथ एंड आपका एक्सपेंशन होता है, रिस्क जो होता है वो कम होने लगता है क्योंकि आपको ज्ञान ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आपको रिस्क कम से कम हो जाएगा, एक्सपेंशन कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, और जितनी भी अनसर्टिनिटीज़ आने वाली है उन सब चीज़ों से भी आप टैकल कर पाओगे। ये सारे एग्जांपल्स वगैरह आप लोग इसमें डाल सकते हो, वैसे इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि किस किस तरीके से हो सकती है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग है जैसे मनी मैनेजमेंट करना, मनी को मैनेज करना, लिमिटेड एक्सपेंस करना, खर्चे कम से कम करना, और पर्सनल बैलेंस शीट अप टू डेट रखना, है ना। आइडियल वे टू हैंडल एक्स्ट्रा मनी, गेट कवरेज, मैनेज योर डेप्ट वेल,
अच्छे से मैनेज करना, गुड डेप्थ में रहना, बैड डेप्थ में नहीं रहना, क्योंकि अगर डूब जाएगा पैसा हमारा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। रिटायरिंग प्लानिंग करना, यानी कि हम आज बहुत सारा यूथ है हमारा जो हमारी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अपने गोल को लेके बिल्कुल उनके माइंड में चीज़ें सेट है कि हमें इतनी एज तक रिटायरमेंट लेनी है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो प्लानिंग आज से कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर ली है कि हम इतने साल में इतना कमा लेंगे और हमारी रिटायरमेंट हो भी जाएगी, अर्ली रिटायरमेंट। इस्टेब्लिश अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करना, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। बजट कितने तरह के होते हैं? तो एक होता है पर्सनल बजट, वो लोग आप खुद प्रिपेयर करते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो करते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स वगैरह ही बजट बनाते हैं। पर्सनल बजट जो हाउस होल्ड बजट होता है, जिसमें इनकम एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाता है। देखते हैं ना कि जब कभी हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि इस बार तो पैसे की बचत ही नहीं हो पाई हमारी, तो हम कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हम अगली बार से उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान देंगे तभी तो बचा पाएंगे ना। पर्सनल फाइनेंस टेक्निक में तो आपको दो बताई गई हैं, एक तो 50-30-20 या 80-20 मेथड। वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली कि कौन कितना सेविंग करना चाहता है या कौन खर्चा करना चाहता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग होते हैं सेविंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेविंग से ज़्यादा खर्चों में बिलीव रखते हैं कि ज़िंदगी 2 दिन की है। कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है कि नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब हमें जो कमा रहा है वो उड़ा देना चाहिए, खा पी के उड़ा दो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से काम कर रहे हैं। अगर आप 80% खर्चा कर रहे हैं, 20 सेव कर रहे हैं, 20 सेव कर रहे हैं, 80 खर्चा कर रहे हो, मतलब वो डिपेंड कर रहा है। 50-30-20 ऑप्ट कर रहे हो, 80-20 वो आप पे डिपेंड करता है। हाउ पार्शल सेविंग अकाउंटेड आर यूज, किस तरीके से आप सेविंग को कर पा रहे हो। कैश ओनली बजटिंग यूजिंग द इन्वॉल्व मेथड, कि जैसे आप ग्रॉसरी में कितनी कैटेगरी में आपको कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, ग्रॉसरी में हो रहा है तो कितना हो रहा है, और किसी चीज़ पे हो रहा है तो कितना हो रहा है, कहाँ हम बचत कर सकते हैं। जीरो बेस बजटिंग है हमारी कहीं ना कहीं। ऑल द नेट इनकम मस्ट बी यूज्ड अप बिफोर एनी एक्सपेंसेस, है ना। फैमिली बजट आप लोगों को पता ही है क्या होता है, लिस्ट योर इनकम, सारी के सारी आपको इनकम लिख देनी है, सारे के सारे खर्चे लिख देने हैं, आपको माइनस कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना बजट बन रहा है ना। ये बहुत सिंपल है। एक होता है बिजनेस का बजट, बिजनेस भी कहीं ना कहीं बजट बनाता है वो अपने। एक कंपनी विदाउट अ बजट रिस्क द डेंजर ऑफ ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा स्पेंड कर देगी या कम कर देगी, फिर वो कंपटीशन से बीट नहीं कर पाएगी, अंडर सेविंग में चली जाएगी तो कमी आ जाएगी, तो फिर उसको इमरजेंसी पड़ जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें भी बिजनेस मैन को बिजनेस के अंदर ऑप्ट करनी पड़ती है, बिजनेस बजट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, वही सारे पॉइंट्स आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब स्प्रेडशीट बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करना, खर्चों को कट कर देना जितने कम कर सकते हो, कम से कम खर्चा करना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में तो उसको कम कर दिया, जहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया, ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। शॉप फॉर सप्लायर सर्विसेज हो गई, है ना, मतलब जहाँ जहाँ लग रहा है फ़ायदा नहीं हो रहा उसको कट डाउन कर दो, ताकि वो पैसा बच के हमारे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के काम आ जाए, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो हम आगे कहीं ना कहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है प्लानिंग एंड बजटिंग के प्रोसेस हैं कुछ। तो सबसे पहले बजटिंग एंड प्लानिंग आर यूज़फुल फॉर, किस किस चीज़ में यूज़फुल रहती है। आपने प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया है कि आपका उद्देश्य क्या है, उसकी प्लानिंग आपने पहले से ही सेट कर ली, फिर आपने एक्सेस किया, एग्जामिन रिसेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा उठाया, कनेक्ट करा डेली प्रोसीजर टू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से, फिर आपने बॉटम अप बजट टू टॉप डाउन गोल्स को कनेक्ट करा, दोनों को देखा, फिर उसके बाद आपने बिजनेस के अंदर चेंजेस देखे, क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी चाहिए, कहाँ हमने मॉडर्नाइजेशन ऑप्ट नहीं करा वहाँ हम कर सकते हैं, कैरी आउट ऑनगोइंग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पहले से फ्यूचर के प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बजट के अंदर डेफिसिट कमी आ जाती है और सरप्लस मतलब फ़ायदा, डेफिसिट मतलब कमी और सरप्लस मतलब फ़ायदा आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, और वो इफेक्ट भी कहीं ना कहीं आपको डालता है। अगर आपके बजट में कमी आ जाती है, कमी कैसे आती है कि आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो ये पॉइंट्स आते हैं, 3 टाइप ऑफ बजट डेफिसिट आते हैं। या आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है तो मैं शॉर्ट में ही कराऊंगी, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता क्या है, तो फिजिकल डेफिसिट जो है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, जितना आपने रिसीव किया जितने आपने खर्चे किए दोनों को माइनस कर दो, फिजिकल डेफिसिट निकल आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, डेट ट्रैप हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर सब सब बताया गया, इट प्रोड्यूस अ फिजिकल इनबैलेंस, फिजिकल इनबैलेंस बनाता है, रेवेन्यू डेफिसिट एंड स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल।
तो ये होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन, आपको पता ही है क्या है, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है आज के टाइम पे। अगर आज हम अपनी कैलकुलेशन करना सीख जाए ना कि इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई भत्ता जो बढ़ता जा रहा है, और इतना तो हम लोग हर बार बैंक की तरफ भागते हैं, क्या हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कब क्या हम कमा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं। तो अगर हम अजम्पशंस लगाएं, अजम्पशन भी छोड़ो, आज ही हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता लग जाएगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। फॉरेन डिपेंडेंस है, हम लोग फॉरेन पे डिपेंडेंट्स हैं। हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ हो गई, फ्यूचर ग्रोथ से हैम्पर्ड बाय बोरिंग विच रेज द कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कंट्री के प्रोस्पेक्ट पे, फ्यूचर ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि हमारे को आज ही नज़र आ रहा है कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, इट शोज द गवर्नमेंट इज अनेबल टू कवर इट ऑन गोइंग और रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का कहीं ना कहीं ये बीच की डिफरेंस को दर्शाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो इट शोज़ द प्रपोज बजट डज नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट के रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंसेस को ये नहीं लेता। इट सजेस्ट द गवर्नमेंट इज कंज्यूमिंग द सेविंग ऑफ अदर इकोनॉमिक सेक्टर टू पे इट्स एक्सपेंसेस, कि सारे अपने एक्सपेंसेस को पे कर सके। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट में से लोन इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने करी है उसको माइनस कर दो तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। सो वो सारी चीज़ें हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या, वेन द गवर्नमेंट ओवरऑल इनकम इज़ लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के ओवरऑल इनकम जो है वो कम पड़ जाती है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम डेफिसिट प्लान फाइनेंसिंग बोलते हैं, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि लोन वगैरह हम लोग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ गया, प्राइवेट बैंक से लेना पड़ गया, है ना, ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया है, उसके बाद ये इम्पैक्ट है, डिसएडवांटेज, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले। उसके बाद आता है सरप्लस में कब होते हैं, जैसे कि फ़ायदे में है हम लोग, अभी हमारा पैसा बचा हुआ है। एवरी वन वॉन्ट्स टू लर्न हाउ द सेव मनी, हम लोग जानना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, चीज़ें जानना चाहते हैं, चैलेंजिंग स्ट्रैटेजीज जानते हैं। तो आरडी क्या होती है, आरडी में आप लोगों को अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आरडी क्या होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर मंथली के बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, मतलब फिक्स अमाउंट जो हम जमा कराते हैं उसे हम आरडी बोलते हैं। और जो आरडी होती है वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है, विदर द इन्वेस्टर मेक कंसिस्टेंट फिक्स मंथली इन्वेस्टमेंट, वही लिखा है ना, रेट ऑफ रिटर्न कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ बैंक, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक भी हम कह सकते हैं। फॉर ओवर अ 60 एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम। देखा होगा जब हम बैंक में जाते हैं किसी भी बैंक में, तो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, उसके बाद जो मतलब एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे होता है वो कम होता जाता है। फिक्स डिपॉजिट क्या है कि हमने एक ही बार जमा करा दिया है ना, अलग अलग वो स्कीम्स बताता रहता है, जैसे हम बैंक जाते तो अब ये वाली ये करा लो, आपको जैसे 12 रुपये कटेंगे साल के तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, मतलब अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं। सेविंग अकाउंट मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा होता है, जो हम लोग आमतौर पर खुलवाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 ख़त्म करा दिया, अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अगर कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।